वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। छोटी मगर बड़े काम की ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर वन, दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं, दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। नंबर टू, तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सेब को छीलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। नंबर थ्री, शरीर पर कहीं जल गया हो तो तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रियाँ हो गई हो या कोई रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकालकर लगाने से फायदा होता है। नंबर फोर, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काटकर उस पर नमक लगाकर कीड़े काटे स्थान पर 5-7 मिनट तक रगड़े, जलन और दर्द गायब हो जाएगा। नंबर फाइव, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। नंबर सिक्स, मुंह की बदबू से परेशान हो तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखे, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाएगी। नंबर सेवन, बहती नाक से परेशान हो तो यूकेलिप्टस यानी कि सफ़ेदा का तेल रुमाल में डालकर सूंघे, आराम मिलेगा। नंबर एट, कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाने से बाल सफ़ेद से काले होने लगते हैं। नंबर नाइन, चाय पत्ती के उबले पानी से बाल धोएं, इससे बाल कम गिरेंगे। नंबर टेन, बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाने से अनिद्रा रोग का नाश होता है, ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें। नंबर 11, संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1-1 कप पीने से गर्भवती की दस्त की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 11, संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1-1 कप पानी से गर्भवती की दस्त की शिकायत दूर होती है। नंबर 12, गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। नंबर 13, सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियां निकालकर कुछ दिन खाने मात्र से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 14, ताज़ा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती है। नंबर 15, प्याज का रस लगाने से मसों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। नंबर 16, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियाँ आना तत्काल बंद हो जाती है। नंबर 17, गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम मिलेगा। नंबर 19, आलू का छिलका आपकी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है, इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधरता है, इसलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेंके नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करें। नंबर 20, यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोजाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें, ऐसा करने से छाले आपसे दूर हो जाएंगे। 21, पतली छाछ में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। नंबर 22, प्याज और गुड़ रोज खाने से बालक की ऊंचाई बढ़ती है। नंबर 23, रोज गाजर का रस पीने से दमे की बीमारी जड़ से दूर होती है। नंबर 24, खजूर गर्म पानी के साथ लेने से कफ दूर होता है। नंबर 25, 1 चम्मच समुद्री नमक लें और अपनी खोपड़ी पे लगा लें, इसे अच्छी तरह से मसाज करें और ऐसा करते समय उंगलियों को गीला कर लें, बाद में शैम्पू लगाकर सिर धो लें, महीने में एक बार ऐसा करने से रूसी नहीं होगी। नंबर 26, अगर आपके नाखून बहुत कड़े हैं तो उन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर हाथों को भिगो के रखें और 10 मिनट बाद उस नाखून को काट लें, इससे सारे नाखून आसानी से कट जाएंगे। 27, शरीर में कहीं गुम चोट लग जाए या नक्सीर आए तो बर्फ़ की सिकाई बहुत फ़ायदेमंद होती है। नंबर 28, बवासीर से छुटकारा पाने के लिए सुबह खाली पेट में 2 आलू बुखारे खाएँ, बवासीर ठीक हो जाएगी। नंबर 29, एलोवेरा जेल और शहद, अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो आप एलोवेरा जेल के साथ शहद को मिक्स करके नियमित चेहरे पर लगा सकती हैं, ऐसा करने से आपके त्वचा के चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि एलोवेरा जेल विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, इससे चेहरे पर ग्लो आता है। वही शहद में प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र होता है जो त्वचा की ड्राइनेस और डलनेस को दूर करता है। नंबर 30, ग्रीन टी आइस क्यूब का, आप ग्रीन टी को पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को आइस ट्रे में जमा कर क्यूब बनाकर रख लें। इस क्यूब को इस्तेमाल आप चेहरे पर कर सकती हैं, इससे चेहरे पर चमक आती है और डार्क स्पॉट भी हल्के हो जाते हैं। नंबर 31, गुलाब जल और नींबू का रस, अगर आपकी त्वचा बहुत अधिक ऑयली है तो आपको गुलाब जल में 5-7 बूंदे नींबू का रस मिक्स करके उसे चेहरे पर लगाना चाहिए, इससे त्वचा में ग्लो भी आएगा और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। नंबर 32, चावल का पानी एंटी एजिंग होता है, आप चावल को पानी में भिगो कर रख दें और फिर दूसरे दिन उस पानी को फेंकने के स्थान पर आप चेहरे पर लगाकर
लगा लें। चावल को पकाने के बाद आप उसके स्टार्च का इस्तेमाल भी चेहरे पर कर सकती हैं। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो चावल के पानी में 5-7 बूंदें नींबू का रस मिक्स कर लें, और अगर आपकी त्वचा बहुत अधिक ड्राई है तो आप शहद के साथ चावल का पानी मिक्स करके चेहरे पर लगा सकती हैं। इससे त्वचा में चमक के साथ कसाव भी आता है। नंबर 33, दही और ओट्स। आप दही में ओट्स का पाउडर मिक्स करके डालें और फिर उस मिश्रण को चेहरे पर लगा लें। इससे भी चेहरा साफ हो जाता है। अगर आपके चेहरे पर डेड स्किन की परत है तो आपका चेहरा डल नज़र आएगा ही। ऐसे में आप चेहरे पर इस घरेलू उपाय का प्रयोग करेंगी तो डेड स्किन रिमूव हो जाएगा और चेहरे पर चमक भी आ जाएगी। नंबर 34, कच्चा दूध और शहद। ड्राई स्किन वालों के लिए यह उपाय बहुत ही अच्छा है। आपको कच्चे दूध में शहद को मिक्स करना है। इस मिश्रण से चेहरे को साफ करना है। यदि आप दिन में एक बार करती हैं तो आपके चेहरे पर अनोखी चमक आ जाएगी। नंबर 35, पपीता और केला। पपीता और केला दोनों ही त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे में अगर आप दोनों के मिश्रण को चेहरे पर लगाती हैं तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। नोट, ऊपर बताए गए किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले आपको स्किन पैच टेस्ट जरूर ले लेना चाहिए, और आपको साथ ही एक्सपर्ट की परामर्श भी लेनी चाहिए। धन्यवाद।